बीमारी को, इन्हें अधिक पीड़ा हो रही है। ये तो महल का द्वार खोले की आवाज है। किले का द्वार कौन खोल रहा है? देवा, गौस खान तोप लेकर अकेले जा रहा है। वो गौस खान वो ईका कहते हैं अपनी धरती माँ पर शहीद होवे का जुनून। परंतु ये आत्मघातक सिद्ध हो सकता है, हमें स्वयं उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। नहीं महारानी साहब, नहीं, हम आपका नहीं जाने देंगे। देखिए महारानी साहब, हमारी धरती के चरणन पर भेंट चढ़े के खातिर बहुत सर है इस हिंदुस्तान में, ये झांसी पर आपका जीवित रहने का पड़ी, आपका बहुत कुछ करे का है महारानी साहिब। महारानी साहिब, आजादी की युग की वल्गा आप ही के हाथों में, आप ही के, हमारी धरती माँ इस संपूर्ण हिंदुस्तान बड़ी आशा के साथ आप पर तक रहा है। आपका जीवित रहने का है, बहुत जिम्मेदारी निभावे का है। और महारानी साहब ही हमरे गौस खान भैया ऐसे ही सही नहीं होवेंगे, सैकड़ों कुत्ते फिरंगियों को नरक पहुंचा के ही जन्नत जावेंगे महारानी साहब। अरे हमो भाग्य के गोबर हैं, जो शहीद होवे का ऐसा मौका नहीं मिल रहा। हमका ऐसा मौका मिला है तब हम दिखाई, लेकिन का महारानी साहब के तोप चलावे का नहीं आत है। गौस खान भैया की जय हो, जय हो गौस खान। के हौसले ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़े नहीं रोक सकते। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सारी तैयारी हो गई है ना? जी महारानी सर, बस आपके हुक्म की प्रतीक्षा है। जब तक हम आदेश न दे तीर मत चलाना। जी महारानी सर।
या अली, माफ करना अपने इस अजीज बंदे को। बस यही अफसर है। अब हर हिंदुस्तानी की आंखों में तुम्हारे लिए खून उतर आया है। अल्लाह, ये तो फट जाएगी। चल चल मेरी कड़क बिजली, दिखा आज अपना जलवा इन फिरंगियों को। वाह गौस खान वाह। देखा महारानी साहब, हम कहे थे ना आपसे ये गौस खान ऐसा ही कुछ कमाल करेगा। वाह गौस खान। ये देवा मादरे वतन, अपने इस गुलाम गौस खान की कुर्बानी कबूल कर। नहीं गौस खान, तोप मत चलाना गौस खान। गौस खान वो तोप फट सकती है। मोहम्मद रसूलल्लाह।
रुक जाइए महारानी साहब। द्वार मत खोलिए महारानी साहब। क्या क्या कह रहे हैं रघुनाथ जी? गौस खान अभी भी जख्मी जीवित पड़ा हुआ है, हम उसे इस तरह फिरंगियों के हाथ नहीं छोड़ सकते। महारानी साहिबा, हट जाइए हमारे रास्ते से रघुनाथ जी, और ये हमारा आदेश है। हम आपका आदेश नहीं मान सकते महारानी साहिबा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी महारानी का आदेश भी नहीं मानेंगे? क्षमा कीजिएगा महारानी साहिबा, हम अपने स्वर्गीय महाराज गंगाधर राव के वचन से बंधे हैं। हमने उन्हें वचन दिया था कि महारानी साहिबा जब भी भावुकता भरे निर्णय लेंगी, आपका ये सेवक सेनापति के अधिकारों का प्रयोग करेगा। महारानी साहिबा, द्वार मत खोलिए। तो ठीक है, आप अपना यहाँ खड़े होकर वचन निभाइए और हम अपना धर्म निभाएंगे। हम गौस खान को यूं फिरंगियों के हाथों नहीं छोड़ सकते। उन्होंने अपनी झांसी के लिए बलिदान दिया है, हम उन्हें बचाएंगे। नहीं सर, नहीं, भगवान के लिए इस समय जिद करने का नहीं है। महारानी साहब, हमारी खोपड़ी में एक योजना आई है। महारानी साहब, ई योजना से रघुनाथ जी का वचन भी रह जाएगा और आप अपना धर्म भी निभा सकेंगे। महारानी साहब, वो योजना ही है के ये धूर्त फिरंगियों को गौस भैया से दूर रखने के खातिर ऊपर हम ऊपर फसील से वार करेंगे, और आप भी महारानी साहब, आप भी ऊपर फसील से आकर गौस साहब खान को पुकारेंगे। महारानी साहब, जैसे ही गौस भैया इस दरवाजे पर आएंगे, हम दरवाजा तुरंत खोल के तुरंत बंद कर देंगे। महारानी साहब, हम सब आपको खोना नहीं चाहते। महारानी साहब, हमरे वास्ते, आपकी प्रजा के वास्ते, हिंदुस्तान के वास्ते मान जाइए। धरती माँ तुम पर अभिमान करती है, उठो गौस खान, उठो गौस खान, गौस खान शीघ्र उठो। हम आ गए, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। उठो, अन्यथा फिरंगी तुम्हें अपना बंदी बना लेंगे। उठो, थोड़ा साहस रखो। मलिका साहिबा, ये फिरंगी गौस खान को नहीं छुपाएंगे। मलिका साहिबा, साथ तो बहुत देना चाहते थे आपका, लेकिन शायद किस्मत में साथ यहीं तक था। पर क्या हुआ जो एक गौस खान नहीं रहा? हम खुदा से दुआ करेंगे कि वो हजारों हजारों गौस खान पैदा करें आप पर कुर्बान होने के लिए। Firing! Shikra Ghaz Khan, or Tej!
बड़ी हिम्मत और गौस खान, और तुम शीघ्र ही महल में होगे। मलिका साहिबा, खत्म कर दिया मैंने फिरंगियों का सारा हौसला। गोला पर खोस खान ने मस्जिद पर एक खराश तक नहीं रखने दिए। क्या करे मलिका साहिबा, बहुत अफसोस है ना तुम्हें आपकी खिदमत कर सका और ना ही मादरे वतन की। नहीं खोस खान, तुमने जो कुछ भी किया वो इतिहास ने लिख लिया है। इस हिंदुस्तानी को ये हिंदुस्तान सदियों तक गर्व से याद करेगा। तुम्हारा ये बलिदान उदाहरण रहेगा उन सभी धर्म के ठेकेदारों को जिन्होंने आज तक हमें धर्म के नाम पर बांटने की चेष्टा की, इन फिरंगियों को जिन्होंने हमें धर्म के नाम पर केवल इसलिए बांटा ताकि वो हम पर राज कर सके। तुम्हारा ये बलिदान सिद्ध करेगा कि हम हिंदू या मुसलमान बाद में पहले हिंदुस्तानी। देखना खासकर देखना, आने वाली पीढ़ियां सदैव यह याद रखेंगे कि हिंदुस्तान को इन फिरंगियों की दास्तां से मुक्त कराने के लिए कैसे कैसे रणबांकुरों ने खून की होली खेली और फिर जाके हमें आजादी मिली। शुक्रिया मलिका साहिबा। कौशकर, तुम मत बोलो, तुम्हारे मुंह से खून निकलेगा। कर्मा, राजवैद को बुलाओ। जी। नहीं कर्मा, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं सबको गुलाब फारूद बनाना सिखा दूं। गोला बारूद बनाने का सारा सामान शास्त्र का, उसको वापस मिक्स कर देता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नैनम शत्यन्ति शस्त्र। Oh.